सभी बच्चों को मेरा जय जोहार। मैं राशिद खान, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सीतापाल से हूँ। और आज हम बच्चों कक्षा 8वीं में पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हमारा बहुभुज। तो बच्चों, बहुभुज के लिए सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि हम जब आकृतियों का नाम लेते हैं तो भुजाओं के आधार पर हम आकृतियों के नाम रखे हुए हैं गणित में। जैसे उदाहरण के लिए हम तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, उसी तरह से चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और कहीं हम देखते हैं कि पांच भुजा वाली बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, छह भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम षष्ठभुज कहते हैं, और उसी तरह से सात भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम सप्तभुज कहते हैं, और आठ भुजाओं से घिरी बंद आकृति को अष्टभुज कहते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि त्रिभुज, जब हम ज्यामिति में आकृतियों के बारे में बात करते हैं तो जितनी उन पर भुजाएं रहती है उसी से संबंधित जो है उनके नामकरण है। तो सबसे पहले बच्चों हम बहुभुज को देखते हैं। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। फिर से देखते हैं बच्चों, हम कहते हैं कि बहुभुज जो है वह तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तो हमारा जो आज का पाठ है वह है बहुभुज। तो बच्चों, बहुभुज वह बंद आकृति जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं होती हैं उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए हम त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? देखिए, यहाँ पे हमने त्रिभुज लिया ए, बी और सी। तो कहीं हम यहाँ पे देखेंगे कि यह जो हमारा चित्र है त्रिभुज का, तो त्रिभुज में हमारे पास जो भुजा है, भुजा जो है यहाँ पे ए बी एक भुजा, दूसरी बी सी और ए सी तीसरी। तो भुजाओं की संख्या यहाँ पे तीन है। उसी तरह से कहीं हम कोण को देखते हैं तो यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं? तीन कोण बन रहे हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो कोणों की संख्या कितनी है हमारे पास? तीन। और उसी तरह से कहीं हम शीर्ष को देखते हैं तो कुल शीर्ष जो बन रहे हैं इसमें, शीर्ष ये आपका ए, बी और सी, तो तीन शीर्ष हैं। तो हमने देखा बच्चों कि हमारा जो पहला जो बहुभुज में उदाहरण हमने त्रिभुज में लिया था, तो त्रिभुज में तीन भुजाओं से तीन भुजाएं हैं, ए बी एक, बी सी दो और ए सी तीन। तो इसमें तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं और तीन शीर्ष हैं। उसी तरह से कहीं हम चतुर्भुज को लेंगे तो चार भुजा होगी, चार कोण होंगे और चार शीर्ष बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि जितनी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं और उतने ही शीर्ष होते हैं बच्चों। आइए अपन आगे बढ़ते हैं। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज को हम बच्चों कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। बहुभुज को हम अंग्रेजी में पॉलीगॉन कहते हैं। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में जैसे हम उदाहरण लेते हैं पंचभुज का, ये हमारे पास एक पंचभुज है, ये पंचभुज है हमारा ए बी सी डी ई। इस पंचभुज में देखिए आप, सभी जो शीर्ष है वह बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है, ये भी बी भी बाहर की ओर है, सी डी ई
शरीर जो शीर्ष है वो बाहर की ओर निकले है और इसमें जो कोण होता है वहाँ 180 अंश से कम होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये कोण है वो सभी कोण जो है 180 से कम कम 180 अंश से कम होता है वह उत्तल लघुभुज कहलाता है, जिसमें सभी शीर्ष जो है बाहर की ओर निकले रहते हैं उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन या उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो वह बहुभुज जिसमें शीर्ष जो है सब बाहर की ओर निकले होते हैं और प्रत्येक कोण जो होते हैं उसका मान 180 अंश से कम होता है उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने सीख लिया है अच्छे से कि उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं। उत्तल बहुभुज या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वह बहुभुज है जिसमें सभी शीर्ष जो होते हैं वो बाहर की ओर निकले होते हैं और प्रत्येक अंतर कोणों का मान 180 अंश से कम होता है उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। आइए अब हम अपना दूसरा बहुभुज देखते हैं। उत्तल बहुभुज के बाद हमारे पास है अवतल बहुभुज। इसे हम कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। अब कहीं हम अवतल बहुभुज की बात करें बच्चों जिसे हम कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बहुभुज बना रहा हूं जो इस तरह से है, जिसमें 6 भुजाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ इसका नामकरण हम शीर्षों में करते हैं, ए ये बी ये सी डी ई और एफ। अब यहाँ बच्चों कहीं हम देखते हैं कि जो शीर्ष बी पर जो कोण बन रहा है हमारा वह 180 से अधिक है, उसी तरह से कोण ई में जो भी कोण बन रहा है वह भी 180 अंश से अधिक है। तो ऐसा बहुभुज जिसमें आपके शीर्ष जो होते हैं एक या एक से अधिक शीर्ष जो अंदर की ओर धंसे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी उसके अंतः कोणों का जो मान है, अंतः कोणों का मान जो है 180 अंश से अधिक होता है, ऐसे बहुभुज को हम अवतल बहुभुज कहते हैं। तो हमने देखा बच्चों कि अवतल बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसके शीर्ष जो होते हैं एक या एक से अधिक शीर्ष जो है अंदर की ओर, यहाँ देखिए बी और ई जो है अंदर की ओर है और इसमें बी और ई में देखेंगे आप 180 अंश से अधिक कोण बन रहा है, 180 अंश यहाँ पे बनेगा ऐसा ऐसा 180 अंश यहाँ बनेगा कोण और इस 180 अंश से अधिक आ रहा है कोण, और उसी तरह से ई में भी जो है 180 अंश से अधिक कोण बन रहा है, ऐसे बहुभुज को हम अवतल बहुभुज कहते हैं जिसमें शीर्ष जो होते हैं कोई एक या एक से अधिक शीर्ष अंदर की ओर धंसे होते हैं और उसके जो अंतर कोण जो होते हैं वह एक या एक से अधिक अंतर कोण 180 अंश से अधिक होते हैं उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं बच्चों। आइए आगे चलते हैं बच्चों। अब यदि बच्चों हम पंचभुज एक बनाते हैं, सबसे पहले उदाहरण लेते हैं पंचभुज, और पंचभुज में हम देखते हैं ये हमने पंचभुज बना लिया। अब पंचभुज के शीर्षों का नाम हमने लिखा ए बी सी डी और ई। इस पंचभुज में हम देखेंगे बच्चों कि इस पंचभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब कहीं हम इस शीर्ष को ए को सी के साथ में मिलाते हैं ए, उसी तरह से ए को बी के साथ शीर्ष में मिलाते हैं, तो यहाँ पे ये जो विकर्ण बना है पंचभुज में इसमें 3 त्रिभुज बन रहे बच्चों, 1, 2 और 3। तो बच्चों किसी बहुभुज में जो त्रिभुजों की संख्या होती है वह n-2 होती है, n-2 जो है वो त्रिभुजों की संख्या है, 3 त्रिभुजों की संख्या। अब बच्चों हम तो यही यदि इस बहुभुज पंचभुज में हम कहते हैं कि भुजाओं की संख्या कहीं n है, भुजाओं की संख्या कहीं हमारे पास
एन है तो त्रिभुजों की संख्या एन ऋण दो होगी बच्चों। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पंचभुज उदाहरण लिखे हमने, तो पंचभुज में हमारे पास कितने भुज भुजाएं हैं, पांच है। और अब कहीं पांच में हम यहाँ पे पांच ले लेते हैं, पंचभुज में पांच भुजाएं हैं तो बराबर पांच ले लेते हैं। यहाँ पे भुजाओं की संख्या पंचभुज में एन बराबर पांच है, और अब त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, पांच ऋण दो बराबर तीन। इस तरह से हम कहेंगे बच्चों कि इस पंचभुज में कुल तीन त्रिभुज बन रहे हैं। तो किसी भी बहुभुज में हम देखेंगे जितनी भुजाएं भुजाओं की संख्या होती है, शीर्षों की संख्या जो होती है वह दो कम होती है। त्रिभुजों में त्रिभुजों की संख्या जो होती है वह भुजाओं की संख्या से दो कम होती है। पंचभुज है तो तीन त्रिभुज बनेंगे, और नहीं हमारे पास अष्टभुज आठ भुजा वाला होगा तो क्या होगा, आठ ऋण दो छह त्रिभुज बनेंगे। तो हमने बच्चों देखा कि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या कहीं एन है तो उसमें उसके अंदर में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, एन ऋण दो होगी। अब बच्चों कहीं हम ये देख कहते हैं कि ये हमारा पंचभुज, हमारा उदाहरण वही रहेगा। अब हमको ये देखना है कि बहुभुज में अंतः कोणों पर योग कितना होता है। तो एन भुजा वाले बहुभुज में अंतः कोणों का योग जो होता है एन ऋण दो एन एन भुजाओं वाली एन भुजा वाले बहुभुज बहुभुज में अंतः कोणों में अंतः कोणों का योग बराबर होगा बच्चों एन ऋण दो गुणित 180 अंश होगा बच्चों। ये हमारा सूत्र है, क्योंकि हम देखें बच्चों कि अभी हमने देखा था कि किसी बहुभुज में एन भुजाएं हैं तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, एन ऋण दो। और हम जानते हैं बच्चों कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, इसका सूत्र है एन ऋण दो गुणा 180 अंश। अब कहीं बच्चों हमारे पास एक प्रश्न है कि पांच भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास ये जो बहुभुज बना हुआ है बच्चों, ये पांच भुजा वाला है, तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी है बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पे भुजाओं की संख्या पांच है, और हमें क्या करना है, ये जो ये अंतः कोण है कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी और कोण ई, इन कोणों का कुल योग जो है वो हमें बताना है बच्चों। तो एन भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग का सूत्र दिखता है एन ऋण दो गुणित 180 अंश होता है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी है, पांच है, पंचभुज है, क्योंकि हमारे पास प्रश्न है हमारे पास कि पंचभुज के अंतः कोणों का मान आप हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एन के स्थान पे क्या रखेंगे, पांच ऋण दो गुणित 180 अंश। अब पांच में से नहीं, हम दो को पहले घटाएंगे, पहले क्योंकि कोष्ठक को हल हाथ करते हैं बच्चों, तो पांच में जब हम दो को घटाएंगे तो तीन गुणित 180 अंश, और हम जानते हैं बच्चों 18 18 * 54 होता है, तो 3 * 0 = 0 है ना, और 8 * 3 = 24 हासिल आया, दो और 3 * 3 = 5, तो 580 अंश होगा। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया बच्चों कि किसी बहुभुज या किसी पंचभुज के अंतः कोणों का जो योग है वह 540 अंश हमने ज्ञात किया। प्रश्न हमारा यह था बच्चों कि किसी पंचभुज के अंतः कोणों का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया है, सूत्र लगाया एन भुजाओं वाले भुजाओं में अंतः कोणों का योग सदैव एन ऋण दो कोष्ठक के अंदर में गुणा 180 अंश होता है। और हमने देखा बच्चों की जो एन जो है यहाँ पे भुजाओं की संख्या है, क्योंकि हमारे पास प्रश्न ये था कि पंचभुज के अंतः कोणों का हमें योग ज्ञात करना है, तो हम पंचभुज में पांच लेंगे, और जैसे मान लो हमारे को त्रिभुज का निकालना है तो त्रिभुज में हम क्या लेंगे, तीन लेंगे एन के स्थान पे। चतुर्भुज में कहीं हमारे पास प्रश्न है तो हम एन के स्थान पे चार रखेंगे, और उसी तरह से चार ऋण दो करेंगे तो यहाँ पे दो दो बचेगा, दो को कहीं 180 से गुणा करेंगे तो
360 अंश आ जाएगा। इस तरह से हम एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों के सभी प्रश्नों में हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे एन ऋण 2 कोष्ठक में गुणित 180 अंश। तो ये हमारा सूत्र है बच्चों, एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे एन ऋण 2 गुणित 180 अंश। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं नियमित बहुभुज। बच्चों नियमित बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसके सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक पंचभुज बनाया था और उसमें भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं थी। अब यहाँ पे हमने लिया ए बी सी डी और ई, ये हमारा पंचभुज है। कहीं ए बी बी सी सी डी डी और ई ए का भुजाओं की लंबाई कहीं बराबर हो जाती है। भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई ए हो, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो पहली बात, और सभी कोणों का मान जो है अंतःकोण कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी और कोण ई सभी अंतःकोण जो है वह बराबर हो जाए तो उसे बच्चों हम नियमित बहुभुज कहते हैं। तो ये हमारा नियमित बहुभुज है। अब नियमित बहुभुज में हम जैसे कि एक वर्ग ले लेते हैं, तो वर्ग जो है इसी कहीं सही सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग में, तो अब इसको ले लेते हैं पी क्यू आर एस, और यहाँ पे देखेंगे वर्ग है जैसे, तो वर्ग के तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो वर्ग में क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है तो हम लिखेंगे पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। और हम ये भी जानते हैं कि वर्ग के प्रत्येक कोण जो होते हैं वह 90 अंश के होते हैं, तो कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कोण आर बराबर कोण एस बराबर 90 अंश। तो हमने देखा बच्चों इसे भी हम क्या कहेंगे वर्ग को नियमित बहुभुज। इसी तरह से कहीं हम एक उदाहरण नियमित बहुभुज का त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज भी हमारा बहुभुज है क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि वह बंद आकृति जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं बहुभुज कहते हैं। तो हमने जो त्रिभुज लिया है मान लो त्रिभुज एबीसी है और इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर है ना, और सभी भुजाएं बराबर है तो ये हो गया आपका समचतुर्भुज और इसके सभी कोण कहीं बराबर हो जाते हैं। तो हम कहेंगे बच्चों कि एबी भुजा बीसी से बराबर है और बीसी सीए से बराबर है और प्रत्येक कोण कोण ए कोण बी और कोण सी जो है हमारे सभी के मान बराबर है जो कि 60 अंश होता है समचतुर्भुज में। तो हम ये कहेंगे कि ये भी नियमित बहुभुज का एक उदाहरण है समचतुर्भुज है ना, पंचभुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और सभी कोण बराबर हैं, तो ये नियमित बहुभुज का एक उदाहरण है। उसी तरह से वर्ग भी जो है वह एक नियमित बहुभुज का उदाहरण है क्योंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है आपस में और सभी कोण प्रत्येक कोण भी 90 अंश के होते हैं। तो ये जो हमारे तीनों जो हमने लिया है वह नियमित बहुभुज के उदाहरण है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों अनियमित बहुभुज। आप कहीं इसी को हम अनियमित बहुभुज बोलते हैं, तो अनियमित बहुभुज में देखेंगे बच्चों कि भुजाओं की जो वो होती है लंबाई जो होती है वह अलग होती है। जैसे मान लो हमने लिया है चतुर्भुज दे रहे हैं हम, और चतुर्भुज में चारों भुजाओं की लंबाई कहीं हम अलग अलग लेते हैं 1 2 3 और 4। अब ये हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई है हमारी ये लंबाई जो है वह अलग अलग है। ए बी की लंबाई बी सी से बी सी के बराबर नहीं है, बी सी ए बी की लंबाई बी सी की लंबाई सी डी की लंबाई और डी ए की लंबाई कोई भी जो है आपस में बराबर नहीं है। अलग अलग लंबाई की भुजाओं से बंदी जो बंद आकृति जो बहुभुज है हमारा या चतुर्भुज है
यह अनियमित बहुभुज का उदाहरण है जिसमें भुजाओं की लंबाई अलग-अलग होती है और प्रत्येक कोण का जो भुजा प्रत्येक कोण है उसकी भी जो मान है वो अलग-अलग होता है, उसे हम अनियमित बहुभुज कहते हैं। तो अनियमित बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसकी लंबाई जो होती है समान नहीं होती है पहली बात, और दूसरी उनके प्रत्येक कोणों का मान बराबर नहीं होता है। जैसे हम एक त्रिभुज लेते हैं और त्रिभुज में हम ऐसा त्रिभुज लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, ए बी सी, जिसे हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें देखिए भुजाओं की संख्या बराबर नहीं है, सब अलग अलग लंबाई की है। तो ऐसे बहुभुज को त्रिभुज को भी हम बहुभुज कहेंगे, और ये अनियमित बहुभुज का एक उदाहरण है क्योंकि तो इसके प्रत्येक भुजाओं की लंबाई अलग अलग है और प्रत्येक जो कोण है वो भी उसका मान भी अलग अलग है। तो यह उदाहरण है, ये जो उदाहरण है त्रिभुज का वह भी अनियमित बहुभुज का उदाहरण है। देखिए तो अनियमित बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसके लंबाई जो होती है भुजाओं की लंबाई अलग अलग मान की होती है और उनके जो अंतः कोण जो होते हैं वह भी अलग अलग मान के होते हैं, वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। ऐसे बहुभुज को हम अनियमित बहुभुज कहते हैं बच्चों। आइए बच्चों हम समांतर चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे। समांतर चतुर्भुज की जो उसके गुणधर्म है वो उसका अध्ययन करेंगे। समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज को बच्चों पैरेललोग्राम कहते हैं अंग्रेजी में। तो समांतर चतुर्भुज जो है हमारा पैरेललोग्राम है। आप कहेंगे एक ऐसा ये जो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज में इसके शीर्ष है ए बी सी और डी। ये समांतर चतुर्भुज है बच्चों जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा जो होती है वह बराबर होती है। तो ए बी बराबर है हमारे पास, बी सी एक, और दूसरी दूसरी जो है हमारा बी सी भुजा जो है वो ए डी से बराबर है। तो ये भुजा जो है सम्मुख भुजा आपस में बराबर होगी। उसी तरह से समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर होती है तो हम कहेंगे बच्चों ए बी समांतर है बी सी से। और उसी तरह से हम यहाँ पे समांतर चिन्ह लगा दिए, यहाँ पे ये समांतर है, ए बी समांतर है बी सी से, और उसी तरह से बी सी भी जो है समांतर है। तो इसके लिए डबल बी का निशान लगा दिया हमने। तो यहाँ पे हम कहेंगे बच्चों कि बी सी जो भुजा है वह समांतर है बी सी। उसके बाद बच्चों इसमें समांतर चतुर्भुज की एक और जो प्रॉपर्टी है वो है इसके सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण सी, उसी तरह से कोण बी बराबर डी होंगे। तो कोण बी और कोण डी का मान बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में। तो हमने देखा बच्चों कि समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है एवं समांतर होती है। तो भुजाएं आपस में बराबर है और समांतर भी है, और उसी तरह से बी सी भुजा ए डी से के बराबर भी है और समांतर है। इसके बाद इनके कहीं हम ए को इस शीर्ष को सम्मुख शीर्ष से कहीं मिलाते हैं, ये जो हमारे पास बी इसे हम विकर्ण कहते हैं। ये विकर्ण जो आपस में जहाँ पे कटती है विभाजन जहाँ होता है ये समद्विभाजित करती है, दोनों को बराबर हिस्सों में काटती है। एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण जो है हमारा, मान लो एक एसी और बीडी विकर्ण को पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विकर्ण आपस में समद्विभाजित करता है। तो ओए और ओसी की लंबाई ओए और ओसी की लंबाई बराबर होती है, और उसी तरह से ओबी और ओडी की लंबाई बराबर होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि इस चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई अलग अलग है, और यह विकर्ण की लंबाई जो है आपस में जब विकर्ण आपस में जहाँ काटते हैं प्रतिच्छेद बिंदु पर या इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ये समद्विभाजित करते हैं दोनों आपस में, तो
ओ सी बराबर है यहाँ पे, और उसी तरह से ओ बी और ओ बी बराबर है। तो हमने देखा बच्चों समांतर चतुर्भुज जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, इसके गुणधर्म है कि सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर और बराबर होती है, पहली बात। दूसरी बात, इनके सम्मुख कोण जो होते हैं आमने सामने वाले कोण ए और कोण सी बराबर होते हैं, उसी तरह से कोण बी और कोण डी। और यहाँ पे जो हम विकर्ण, ए सी हमारा विकर्ण है और बी भी विकर्ण है, विकर्ण आपस में प्रतिच्छेदी बिंदु पर जो है समविभाजित होते हैं, तो इनका विभाजन बराबर बराबर होता है। ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की हमारी गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है। आगे देखते हैं बच्चों, समांतर चतुर्भुज के बाद हमारे पास है आयत। आयत का हम गुणधर्म का अध्ययन करेंगे बच्चों। यह है हमारा आयत जिसे हम अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल का हम एक पहले सबसे पहले चित्र बनाएंगे। आयत है ये हमारा, ये हमने आयत का चित्र बना लिया, ए बी सी डी। आयत भी हमारा समांतर चतुर्भुज का एक उदाहरण है बच्चों। यहाँ पे आयत में हम देखेंगे बच्चों कि इसके सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो ये बराबर का चिन्ह हो गया, तो ए बी बराबर डी सी। उसी तरह से हमारा बी सी भुजा जो होता है वह भी बी सी के सम्मुख भुजा बी सी, बी सी के सम्मुख कौन है भुजा ए डी, ये दोनों अपने आपस में बराबर है। उसी तरह से बच्चों जैसे समांतर चतुर्भुज में था, आयत में भी यही है कि इनके सम्मुख भुजा समांतर होते हैं, तो ए बी भुजा समांतर है डी सी से और बी सी भुजा जो है समांतर का ये चिन्ह है बच्चों, समांतर बी सी भुजा समांतर है ए डी सी। तो हमने देखा बच्चों कि आयत का एक गुणधर्म है कि इनके सम्मुख भुजा समांतर और बराबर होते हैं, पहला। दूसरा, इनके प्रत्येक कोण जो होते हैं 90 अंश के होते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी। यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों की आयत के भी सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं, और बराबर होते हैं इसके साथ साथ में ये है कि कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी, यह प्रत्येक कोण जो है 90 अंश के होते हैं, और साथ साथ में हम कह सकते हैं कि इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और सभी कोण का मान जो है 90 अंश होता है। ये 90 अंश के लिए हम यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना के साइन बनाते हैं कि 90 अंश है। और उसके बाद हम देखते हैं बच्चों की जो आयत के जो विकर्ण होते हैं बच्चों, उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है, और समांतर चतुर्भुज में उनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होती है। मगर यहाँ देखेंगे बच्चों की इनके जो विकर्ण की लंबाई ए सी और विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी की लंबाई आपस में बराबर होती है, और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु को हम लेते हैं, इस प्रतिच्छेद बिंदु में विकर्ण आपस में समविभाजित करते हैं, तो ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी, और उसी तरह से ओ बी बराबर ओ डी। तो ओ बी और ओ डी भी बराबर होगा, क्योंकि भुजाओं की विकर्ण की जो लंबाई है वो बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओ ए और ओ सी बराबर है और ओ बी और ओ डी भी बराबर है। और इस तरह से हमने देखा बच्चों की आयत जो है जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, इसकी जो गुणधर्म है ये कि सबसे पहले कि सम्मुख भुजा आपस में समांतर और बराबर होते हैं, आयत का कि सम्मुख भुजा आपस में समांतर और बराबर होते हैं, पहले इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, साथ साथ में प्रत्येक कोण जो है 90 अंश के होते हैं। इसके बाद विकर्ण जो होते हैं उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है, और विकर्ण जो होते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु पर आपस में समविभाजित होते हैं। तो ये हमारा आयत जिसे रेक्टेंगल के गुणधर्म है बच्चों। आइए आगे चलते हैं, आयत के बाद हमारे पास है वर्ग। वर्ग के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं।
एस क्यूब भी है स्क्वायर। स्क्वायर में हम जानते हैं बच्चों कि इनके प्रत्येक भुजा जो होती है ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ए बी सी डी, यह हमारा वर्ग है। वर्ग में क्या होती है, इनकी प्रॉपर इसकी जो गुणधर्म है क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। पहली पहला ये इसका धर्म गुणधर्म है एक। दूसरा प्रत्येक कोण जो होते हैं 90 अंश के होते हैं और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो प्रत्येक कोण कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी ये 90 अंश के होते हैं और इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। ये विकर्ण एक और ये दूसरा विकर्ण आपका ये, इनके विकर्ण जो होते हैं वह बराबर होते हैं, तो हम लिखेंगे ए सी बराबर बी डी, इनके विकर्ण बराबर होते हैं। और विकर्ण जो होते हैं यहाँ पे विकर्ण जो होते हैं आपस में प्रतिच्छेदी बिंदु ओ पर लिखेंगे समविभाजित करते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी, यहाँ विकर्ण आपस में प्रतिच्छेदी बिंदु पर समविभाजित करते हैं, तो सभी की जो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी की लंबाई बराबर होगी। तो ये हमारा वर्ग का गुणधर्म है जिसे हम स्क्वायर कहते हैं कि इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, साथ साथ में सम्मुख भुजा जो है समांतर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे ए बी समांतर है डी सी से और उसी तरह से बी सी समांतर है ए डी सी, तो ए समांतर है ए बी समांतर है डी सी से और बी सी समांतर है डी ए सी, तो ये हमारा वर्ग वर्ग हो गया। वर्ग में यहाँ पे आप देखेंगे कि विकर्ण जो आपस में जब समविभाजित करते हैं यहाँ पे जो कोण बनता है वह 90 अंश का कोण बनता है। विकर्ण जो है एक दूसरा जो विकर्ण होता है वह 90 अंश का कोण बनाता है। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि ओ ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए, ये सभी कोणों का जो मान होता है वह 90 अंश का होता है। विकर्ण आपस में 90 अंश जो है आपस में बनाते हैं और प्रतिच्छेदी बिंदु पर यहाँ पे कोणों का जो मान होता है वह बराबर होता है वर्ग में। तो आइए बच्चों अब इसके बाद हम वर्ग के बाद अंतिम जो वो ले रहे हैं समचतुर्भुज का अध्ययन करेंगे। समचतुर्भुज जिसे हम रोम्बस कहते हैं, ये रोम्बस है, तो रोम्बस का चित्र जो होता है समांतर चतुर्भुज जैसा ही होता है, मगर इनके सभी भुजाएं जो होती है इनकी लंबाई बराबर होती है, ये रोम्बस है और ये इनकी सभी भुजा ए बी सी डी, इन सभी उनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसे हम समचतुर्भुज बोलते हैं, जिसे हम रोम्बस कहते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और मगर इसमें कोण जो होते हैं 90 अंश का नहीं होता, इसीलिए इसे समचतुर्भुज कहते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों की इनके सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है, तो हम लिख सकते हैं ए बी समांतर है बी सी से और उसी तरह से बी सी जो है वह बी सी भुजा जो है समांतर होगी ए डी से। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों की समचतुर्भुज जिसे रोम्बस कहते हैं, इसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है और सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी विकर्ण की लंबाई जो है वो अलग अलग होती है। सम्मुख कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर कोण सी हुआ और उसी तरह से कोण बी और कोण डी जो है यह भी बराबर होगा, तो कोण बी बराबर कोण डी है यहाँ बच्चों।
यहाँ कोण ए और कोण सी आपस में बराबर है, समकोण, और उसी तरह से कोण बी और कोण डी भी जो है आपस में बराबर है। विकर्ण की लंबाई जो होती है वो अलग अलग होती है बच्चों, इसमें इनका इनके जो विकर्ण प्रतिच्छेदी बिंदु पर आपस में संविभाजित करते हैं, तो ये आपका लिखेंगे हम ओ ए बराबर ओ सी, और उसी तरह से ओ बी और ओ डी, ओ बी और ओ डी जो है वह बराबर होगा बच्चों। और समचतुर्भुज जैसे वर्ग में ये था कि इनके जो विकर्ण आपस में 90 अंश में आपका कोण बनाते हैं, तो यहाँ पे आपका 90 अंश कोण बनेगा, यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनेगा प्रत्येक। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि ये विकर्ण आपस में प्रतिच्छेदी बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हैं, तो कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए। ये प्रत्येक जो है सभी कोण जो होते हैं 90 अंश के होते हैं विकर्ण में, विकर्ण में। तो इस तरह से बच्चों ने देखा समचतुर्भुज जिसे रोम्बस कहते हैं, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं कोण ए और कोण सी, उसी तरह से कोण बी और कोण डी, और जो विकर्ण होते हैं वह उनका उनकी लंबाई अलग अलग होती है। देखिए एसी की जो लंबाई है वो अधिक है बीडी से, और विकर्ण आपस में प्रतिच्छेदी बिंदु पर संविभाजित करते हैं, तो ओ ए बराबर ओ सी और उसी तरह से ओ बी बराबर ओ डी, और विकर्ण जो है प्रतिच्छेदी बिंदु पर समकोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो आइए बच्चों अब हम एक प्रश्न देख लेते हैं। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात है 1:2:3:4। अब हमारे को एक हमारे पास एक चतुर्भुज है, अब हमने चतुर्भुज ऐसा बनाया ए बी सी डी। अब मानते हैं कि हमारे पास प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 1:2:3:4 में है, तो माना कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का मान x अंश 2x अंश 3x अंश एवं 4x अंश है। तो प्रश्न अनुसार ये दिया है कि कोणों का जो अनुपात है 1:2:3:4 में है, तो हमने मान लिया कि कोण ए एक्स अंश का है, कोण बी 2x अंश का है, कोण सी 3x अंश का है और कोण डी 4x अंश का है। तो हम जानते हैं बच्चों कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो होता है सदैव 360 अंश होता है, तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। और हमने क्या माना था, ए को एक्स, बी को 2x, सी को 3x और डी को 4x बराबर 360। देखिए बच्चों ये एक्स है मतलब 1x और 2 3 3 3 6 6 4 10x बराबर 360 अंश, या x बराबर हो जाएगा 360/10। तो 10 एकम 10 और ये 36 से कटेगा, तो x का मान हो जाएगा 36 अंश। तो कोण a जो है हमारा उसका मान हमने x माना था, प्रश्न अनुसार हमने लिया था, तो x कितना है 36 अंश का। उसी तरह से कोण b जो है हमारा वह 2x का अंश हमने माना था, तो 2 6 36 अंश, तो 36 का 36 × 72 अंश ये हो गया हमारा। उसी तरह से कोण c की जो है वो हमने 3x लिया था, तो 3 × 36 अंश, तो 6 × 18 81 108, ये 3 × 9 10 108 अंश हो गया, और कोण d बराबर है 4x अंश, तो 4 × 36 अंश और 36 × 4 करेंगे तो हमारे पास 144 अंश आएगा, 6 × 24 80 2 और 4 × 12 तो 144 अंश। इस तरह से बच्चों हमने जो प्रश्न ये था कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 1:2:3:4 में है, तो
हमें इनका मान निकालना है। तो हमने मान लिया कि चतुर्भुज के अंतः कोण एक्स, दो एक्स, तीन एक्स और चार एक्स अंश के है। और क्योंकि हम ये जानते हैं बच्चों की चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग सदैव 360 अंश होता है, तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह एक्स, बी की जगह 2x, सी की जगह 3x और डी की जगह 4x ले लिया, बराबर 360। चार में तीन को जोड़े तो 7, 7 में दो जोड़े तो 9, 9 और 1, यहाँ पे 1 है एक्स, अगर 1 10x हो गया, 10x बराबर 360 अंश। और 10 का पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है, तो ये बटा में जाएगा, एक्स बराबर 360 बटा 10, और 10 से हम यहाँ काटते हैं, 10 से कम 10 और 36 हम 360 होते हैं तो 36 से कटा। अब यहाँ पे कोण ए जो है एक्स अंश का है, तो एक्स का मान हमने अभी निकाला यहाँ पे 36 अंश। तो इस तरह से हमने एक्स के स्थान, ए के स्थान पे एक्स रखा और एक्स बराबर 36 अंश। उसी तरह से कोण बी जो है वो हमने माना था 2x, तो 2 गुणित एक्स का मान 36 यानी 72 अंश। कोण सी जो है 3x लिए थे, 3 गुणा एक्स का मान हमने 36 लिखा था, 36 दिया 108 अंश हुआ। और कोण डी बराबर 4x, तो 4 गुणित 36 बराबर 144 अंश। इस तरह से हम बच्चों जो अज्ञात कोण जो दिए रहते हैं इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपकी जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली की जो प्रश्न है उस प्रश्नों का आप हल कीजिए और अपने शिक्षकों से उसकी जांच कराएं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा जो बहुभुज पॉलीगॉन जो है पार्ट 10 यह समझ में आया होगा। इसे हमने अध्ययन किया है, किसी और पार्ट के साथ अब फिर मिलेंगे हम। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।